Hey guys, what's up? Namaskar, मैं श्रीनिकेत आपका स्वागत करता हूँ on my channel KM Parar Vlogs. This is probably the fifth part of the Apache 200 touring modification series. इसके पहले हमने Apache पर Apollo Trampler XRs इंस्टॉल किए, बड़े क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल किए, नकल गार्ड्स एंड ऑल्सो हैंडलबार राइजर्स इंस्टॉल किए. तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन किए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, 7000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं. आपके सपोर्ट की वजह से ये सब हो पाया. जल्द से जल्द हमें 10K का मार्क भी क्रॉस करना है. सो अब बात करते हैं अबाउट टुडेज वीडियो, विच इज ग्राउंड क्लीयरेंस इंक्रीज ऑफ द अपाचे 200. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अपाचे 200 में नहीं, किसी भी मोटरसाइकिल के लिए एप्लीकेबल है. विच इज कि कैसे आप अपने मोटरसाइकिल का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो इंक्रीज कर सकते हैं फ्रंट फोक्स का, ऑल्सो रियर मोनोशॉक. अब ये जो रियर मोनोशॉक का मॉडिफिकेशन मैं आज करने वाला हूँ, इसके पीछे काफी सारे रीजंस है. सबसे पहला ये है कि इस गाड़ी को अब लगभग 3 साल हो ही चुके हैं एंड जो पिछला मोनोशॉक है वो काफी हद तक सैग हो चुका है. आई मीन जो स्प्रिंग की जो यू नो शेप थी ओरिजिनल वो कम हो गई है ओवर द ईयर. एंड एक इंसिडेंट भी हुआ था अपने साथ. 1 साल पहले हम तिरुपति बालाजी राइड पर गए थे एंड वेल रिटर्निंग बैक लास्ट के 30 किलोमीटर्स रह गए थे. रात को 2:30 बजे एक पोटहोल आया, अपने अपाचे पोटहोल में गई एंड दोनों रिम टूट चुके थे. बट हुआ ये कि पिछले मोनोशॉक ने पूरी बाइक की चैसी एंड मुझे बचाया बेसिकली. द रीजन फॉर दैट इज पिछला मोनोशॉक पूरा दब गया था क्योंकि एकदम सडन जॉल्ट आया, रिम टूटे एंड मोनोशॉक कंप्रेस होने के कारण फ्रेम तक जो इम्पैक्ट है वो नहीं पहुंचा. ट्रस्ट मी इट वॉज अ वेरी वेरी बैड पॉट होल. उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत खराब इंसिडेंट था. बट देन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, जो रियर मोनोशॉक है ना उसका जो ओरिजिनल शेप है, जो हाइट होती है स्प्रिंग की, वो काफी हद तक घट चुकी है. इसके जो मोनोशॉक का जो यू नो प्रीलोड होता है वो सबसे हार्ड सेटिंग में कर दिया था. फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक की सीट हाइट कुछ ज्यादा ही कम है एंड पीछे से बाइक कुछ ज्यादा ही ऐसी थोड़ी नीची लग रही है एंड आगे से उठी उठी लग रही है. अगर मेरे साथ पीछे पिलियन बैठता है तो कभी कभार जो बड़े स्पीड ब्रेकर्स है उस पर ये बाइक लगती है, पीछे मेन स्टैंड लगता है, जो कि अपाचे 200 के साथ कभी नहीं होता. इसका ग्राउंड क्लियरेंस स्टॉक में काफी अच्छा है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है. तो आज के वीडियो में हम पिछले मोनोशॉक को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं सेफली. जो आगे के फोक्स है उन्हें थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे सो दैट ओवरऑल बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ सके एंड एट द सेम टाइम अपाचे का जो प्रीलोड है स्टॉक सेटिंग काफी ज्यादा स्टिफ है, जो मैंने सबसे हार्डेस्ट सेटिंग पर रखी है. तो हम जब ये मॉडिफिकेशन करने वाले पिछले मोनोशॉक पर, तो हम थोड़ा सा उसे कम कर पाएंगे स्टिफनेस को एंड वी विल अवॉइड ओवर सैगिंग द मोटरसाइकिल एट द रियर. अब ये सैग क्या है, प्रीलोड क्या है, प्रीलोड सेटिंग क्या है, हार्ड सॉफ्ट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था. तो अब बात करते हैं अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑन द अपाचे 200 विच वी विल बी डूइंग इन दिस स्पेसिफिक वीडियो. मैं अभी बाइक पर बैठा नहीं हूँ तो दिस इज द स्टॉक डिस्टेंस. अब जब मैं बाइक पर बैठता हूँ तो मेरा वेट अच्छा खासा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो टेल सेक्शन है वो सैग करता है नीचे. ये सबसे हार्डेस्ट सेटिंग पर है मोनोशॉक के, बट स्टिल इतना कम गैप बचा है बिटवीन द रियर यू नो टेल सेक्शन एंड द रियर टायर ऑफ द मोटरसाइकिल. मोनोशॉक निकालने के लिए आपको ये जो लेफ्ट का पैनल है ये पूरा खोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ नीचे एक नट एक्सेसिबल है बट ऊपर का निकाल नहीं सकते इजीली. ये मडगार्ड भी थोड़ा साइड में करना पड़ेगा क्योंकि बोल्ट में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है. अब इसका गैप बहुत कम है तो अगला वीडियो आने वाला है इसी मॉडिफिकेशन पर, गैप इंक्रीज करेंगे. खाली स्लो है स्लो है तो खाली चल रहा है बूस्ट लगे ताकत लावा लागतो. ये अपना रेयर मोनोशॉक है, ऑयल लीक नहीं है. ऐसी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ साइड बाय साइड ऐसे मूवमेंट हुई तो आपके जो शॉकअप के बूश है, आई एम सॉरी, ये जो स्विंग आर्म के यहाँ पर बूश है वो खराब हो सकते हैं. अपनी बाइक बहुत हेल्दी है इस हिसाब से. कुणाल भाई आए हैं इनके साथ अब निकलते हैं शॉकअप का काम करने के लिए सिटी में. ये तो थोड़ा ये अपनी ओरिजिनल स्प्रिंग एंड ये जो शॉक एब्जॉर्बर एंड ये एडजस्टर रिंग है यहाँ पर सेटिंग है. ये घूमने के बाद ऐसा ऊपर ऊपर आके ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है. शॉक पूरा रिबिल्ड होकर आ चुका है, उन्होंने पूरा क्लीन किया डिसमेंटल करके एंड ये जो आप प्लेट देख रहे हो अंदर की, ये एडिशनल स्पेसर उन्होंने डाला है सो दैट ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे और शिफ्ट हो. बाकी स्प्रिंग में और डैम्पर में तो कोई चेंजेस किए नहीं है, जिससे ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ जाती है, जिससे ये बाइक में इंस्टॉल करने के बाद जो पिछला व्हील है उसे नीचे पुश करेगा. सो बेसिकली गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ेगा. ये लो टेल टाइडी टाइप मैंने करने का
ट्राई किया है ये पीस निकाल के, ब्लेड लगा एंड आपको लगेगा अगर रिफ्लेक्टर निकाला तो सेफ्टी का तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सेफ्टी का इशू होता है बट हम एक और मॉडिफिकेशन बहुत जल्द करने वाले नंबर प्लेट के जस्ट नीचे। तो रियर एंड से कुछ इस तरह बाइक दिख रही है, अभी वॉशिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी बाइक। Hi guys, this is me around 1 week after doing all the suspension alterations on the motorcycle. मैंने इन सस्पेंशन चेंजेस को प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर लिया है एंड थोड़े से चेंजेस भी मैंने किए हैं इन द फ्रंट एंड द रियर सस्पेंशन सो दैट एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक हो सके बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द मोटरसाइकिल। तो मैं आपको अब बताता हूँ एक्जैक्टली हुआ क्या है विद द रियर सस्पेंशन। फर्स्ट जो ओवरऑल मोनोशॉक होता है उसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ गई, अराउंड 25 mm का डिफरेंस आया है, नॉट इन द मोनोशॉक बट इन द रियर सस्पेंशन ट्रैवल। अब अगर हमें इस ट्रैवल को कंपनसेट करना होगा टूवर्ड्स द फ्रंट ऑल्सो तो हमें फ्रंट में भी थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली अगर पीछे का इंक्रीज कर दें आगे का स्टॉक रखे तो बाइक थोड़ी आगे झुकी हुई लगेगी, थोड़ी ऐसी लगेगी एंड जो यू नो हैंडल बार है वो नीचे चला जाए। यहाँ पर एक थोड़ा सा यू नो रस्टी लुक आया है। सो बेसिकली जो फ्रंट सस्पेंशन होता है ना अपाचे 200 स्पेसिफिकली, उसमें पहले स्टॉक में जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते थे उनकी वजह से ये जो फोर्क है ये जो लाइन है पहले यहाँ पर थी एंड ये फोर्क है पूरा ऊपर था पहले अराउंड 25 mm। इसका भी जो डायमेंशन है वो एक्जैक्टली 25 है जिसकी वजह से मैंने पीछे को 25 mm का चेंज कर रहा यू नो डिसाइड किया। तो हमने रिसेंटली ये एक प्रोडक्ट लॉन्च किया द हैंडल बार राइजर किट जिसमें मैंने एक कस्टम प्लेट बनाई है कस्टम टी, जिसकी वजह से हमें जो एडिशनल लेंथ होती है फोर्क की उसे मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने किया ये कि जो ऊपर का नट है उसका लेवल और ये प्लेट का लेवल इक्वल कर दिया तो जो ओवरऑल फोर्क असेंबली है वो 25 mm नीचे शिफ्ट हो गई, जिससे बाइक का जो फ्रंट एंड है ना उसकी हाइट भी 25 mm बढ़ गई। तो अब आप ओवरऑल देखें तो मेन स्टैंड लगाने के बाद भी दोनों पहिए लगभग यू नो ग्राउंड का टच कर रहे हैं, तो ओवरऑल बाइक की हाइट जो है 1 inch बढ़ चुकी है जब मैं नहीं बैठा हूँ बाइक पर। बट अगर अब मैं बाइक पर बैठूँ तो पहले जितना सैग करता था रियर सस्पेंशन स्पेसिफिकली उतना ज़्यादा अब नहीं करता। तो अब मैंने बेसिकली थोड़ा एक्स्ट्रा उसी लेंथ की बढ़ाई है, स्टॉक से भी ज़्यादा बढ़ाई है, जिससे जो अंदर का डैम्पर होता है हाइड्रोलिक डैम्पर उसे रेंज ऑफ मोशन उसका बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब पिछला जो सस्पेंशन है ना उससे कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी एंड काइंड ऑफ अ सटलनेस जो एक सस्पेंशन में होना चाहिए एक प्रीमियम सस्पेंशन में होना चाहिए वो वापस आ चुका है इन माई मोटरसाइकिल पर्टिकुलरली। एंड कंबाइंड दैट विद द रियर टायर, ये जो अपोलो ट्रैम्पलर है ना बॉस इससे राइड मक्खन हो जाती है। नाउ एट द सेम टाइम जो सस्पेंशन की सेटिंग्स है वो भी मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी क्योंकि हाइट बढ़ चुकी है बाइक की एंड प्रीलोड इन सम सेंस बढ़ चुका था क्योंकि ओवरऑल पोजीशन बढ़ गई थी। तो मैंने किया ये कि जो फ्रंट सस्पेंशन है उसकी हाइट बढ़ गई थी तो मैंने ये जो प्रीलोड है ना वो सबसे हार्डेस्ट सेटिंग पर था। तो मैंने अब किया ये है कि ये जो सस्पेंशन की सेटिंग है एट बोथ फोर्क्स उसे ऊपर से फोर्थ रिंग पर रखा है, फोर्थ नॉच पर रखा है। स्प्रिंग थोड़ी दबी दबी रहती थी तो उसे कंपनसेट करने के लिए जो सेटिंग होती है वो सबसे हार्ड पर कर रखी थी, फिर भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था। अब बिकॉज लेंथ बढ़ चुकी है तो मैंने जो प्रीलोड की सेटिंग है वो सॉफ्टेस्ट से थर्ड रखी है, तो पिछला सस्पेंशन अब बहुत ज़बरदस्त यू नो हैंडलिंग भी दे रहा है एंड कंफर्ट भी दे रहा है। तो ओवरऑल सस्पेंशन सेटिंग्स चेंज करने के बाद जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, बाउंसी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्टेबल चलती है बाइक इवन एट हाई स्पीड्स, एट द सेम टाइम इनफ कम्फर्ट मुझे अब दे रही है। तो ये एक काफ़ी मस्ट हैव मॉड है। बट अगर आपको ये फ्रंट सस्पेंशन का मॉड करना है अलॉन्ग विद द रियर तो आपको एक हैंडल बार राइजर सेटअप इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप KPH मोटो का करें तो बेटर होगा क्योंकि इस प्लेट को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 25 mm से आपका फ्रंट फोक आप यू नो हाइट इंक्रीज कर सके। अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि है क्या सस्पेंशन की अल्ट्रेशंस की वजह से बाइक की जो हैंडलिंग है या फिर स्टेबिलिटी है उसमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वेल, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, सस्पेंशन की ज्योमेट्री, ट्यूनिंग, टायर्स, वेट, व्हील बेस, इतने सारे टर्म्स हैं ना कि मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एंड इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। नाउ मैंने जितने भी अल्ट्रेशंस बाइक पर किया है पर्सनली वो मैंने लिमिट में रहकर किया है। 25 mm 1 inch जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यू नो क्रिएट नहीं करेगा इन द ज्योमेट्री। जो व्हील बेस है ना बाइक का उससे एक्चुअल बाइक की जो हैंडलिंग है वो डिफाइन होती है। अब व्हील बेस क्या है? बेसिकली फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे व्हील बेस कहते हैं सिंपल टर्म्स में। अगर ये व्हील बेस बढ़ता है, ज़्यादा रहता है तो बाइक की स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड हैंडलिंग थोड़ी सी यू नो जो मनोरेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर व्हील बेस कम रहा तो बाइक बहुत ईजिली फ्लिक कर सकते हैं आप, बट लॉन्ग रोड्स पर, स्ट्रेट रोड्स पर स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑब्वियसली बढ़ा ही है बट व्हील बेस भी थोड़ा सा बढ़ गया है। मैंने एग्जैक्ट तो मेजरमेंट किया नहीं है जिसकी वजह से
स्ट्रेट लाइन में बाइक की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, बट उस डिफरेंस की वजह से बाइक की जो हैंडलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बेसिकली दिस इज एन अपाचे, इसका व्हील बेस सेगमेंट में सबसे कम है, बेसिकली MT-15 से भी कम व्हील बेस है। आई मीन मैंने अगर इसे थोड़ा सा बढ़ा भी दिया तो इतना कुछ यू नो पहाड़ नहीं गिरने वाला। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि मैंने इतने सारे काम किए ही क्यों अपने मोटरसाइकिल में। सो बेसिकली अगर आप मेरे पिछले 2-3 वीडियो से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आई एम कन्वर्टिंग माई अपाचे 200 पोबी फ्रॉम अ स्पोर्ट्स नेकेड टू अ स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल, जिसमें सस्पेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि मैंने अब फाइनली सॉल्ट आउट कर लिया है। एंड नाउ दिस बाइक हैज लीन्ड मोर टूवर्ड्स अ स्पोर्ट टूरर साइड रादर देन अ स्पोर्ट नेकेड साइड, जो कि मेरी खुद की फिलोसफी है। अब कुछ लोग मुझे ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेंगे कि अपाचे को आप टूरर क्यों बना रहे हो, स्पोर्ट्स नेकेड ही रहने दो। I like a sporty touring motorcycle and I'm trying to convert my motorcycle into that way. अब अगले कुछ videos में आपको समझ में आ जाएगा कि exactly मेरे दिमाग में है क्या, कैसे ideology के साथ मैं चल रहा हूँ for modifying this motorcycle for the upcoming crazy long ride. So I hope आपको ये video पसंद आया होगा, थोड़ा सा technical जरूर हुआ। I'll see you next time very very soon. Take care guys.